सैम पित्रोदा के राहुल गांधी के पिता से उनकी तुलना करने पर, राहुल गांधी को पिता राजीव गांधी से ज्यादा बुद्धिमान बताने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर निशाना साधते हुए उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। लक्ष्मण सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा कि पित्रोदा कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वे बाप और बेटे में फर्क कर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी से ज्यादा बुद्धिमान हैं और वे रणनीति बनाने के मामले में उनसे बेहतर हैं और प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। अब इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता लक्ष्मण सिंह ने इस पर कहा कि सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एकमात्र ज्ञान ही है जो बांटने से बढ़ता है, और इसी सोच के साथ ग्वालियर के 65 साल के रिटायर्ड शिक्षक ओपी दीक्षित भी निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और उनकी इस पहल का असर यह हुआ कि अब दीक्षित सर के इस ओपन क्लास में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये हैं ग्वालियर के रहने वाले 65 साल के ओपी दीक्षित। रिटायर्ड हैं लेकिन इन दिनों ज्यादा ही व्यस्त। कारण है इनकी ओपन क्लास। दरअसल डाइट में शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाले दीक्षित सर 2019 में रिटायर हुए और फिर अगले साल यानी कि 2020 में इन्होंने शुरुआत कर दी ओपन क्लास की, जिसके जरिए उन्होंने रेलवे पटरी के आसपास झुग्गी बस्तियों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। और कहते हैं ना, इरादा नेक हो तो भगवान भी हाथ पकड़कर साथ देने लगते हैं। यही हुआ दीक्षित सर के साथ। चार साल में आज दीक्षित सर की 15 जगहों पर निशुल्क क्लासेस चल रही हैं और 1000 से ज्यादा बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2019 में मैं डाइट से रिटायर्ड हुआ था, और डाइट का अर्थ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जहां शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है, बच्चों की भी शिक्षण शैली को विकसित किया जाता है। शिक्षा कार्य से जुड़े होने के कारण जब सेवानिवृत्ति के बाद मैं घर बैठ गया तो जीवन शैली बदली, और उससे हमारे जीवन में निष्क्रियता आई। उस निष्क्रियता को दूर करने के लिए, उदासीनता से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की कृपा से मैंने यह कार्य प्रारंभ कर दिया, और वर्तमान में ग्वालियर चंबल संभाग में 10-15 स्थानों पर, 15 लगभग स्थानों पर यह कार्य चल रहा है। 40 लोगों का समूह है, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, बैंक मैनेजर हैं, ADM हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, सेना के लोग हैं। शुरुआत ग्वालियर से हुई थी लेकिन इसका प्रसार अब ग्वालियर चंबल अंचल तक हो चुका है। जिन बच्चों के पास न घर, न बस्ता, न कॉपी किताब है, उन बच्चों का सारा खर्च उठाते हैं दीक्षित सर और उनका साथ देने वाले लोग। अब तो आलम यह है कि मिलिट्री, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी भी सर का साथ दे रहे हैं। इस तरह से कोरोना काल में तकरीबन 20-22 पाठशालाएं, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल थी, हम लोगों ने शहर के अलावा दतिया, वो डबरा और बाहर जैसे करेरा है, मंडी, अनाज मंडी है, इसके बाद में हमारे पास गोहद में कीरतपुरा है, वहाँ पे जो भील कबीलों के लोपीटों के बच्चे रहते हैं, इस तरह से समाज सेवियों के मदद से 20-22 जगह पे हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। आत्मा जो संतुष्टि होती है ना, जहाँ कोई पैसे का कोई खेल नहीं है, वहाँ जो आत्मा की संतुष्टि होती है बहुत अच्छा। कनाडा से आई? कनाडा में गई थी, हाँ हाँ जी, 6-6 महीने कनाडा लगा के आई हूँ, वहाँ मेरा वर्क परमिट था। वहीं क्लास में अमूल्य धन यानी कि शिक्षा लेने आने वाले बच्चे भी दीक्षित सर और उनकी ओपन क्लास की तारीफ करते नहीं थकते। यहाँ पे हमें सेवा जन कल्याण समिति की ओर से मुफ्त शिक्षा मिलती है, जो कोई फीस नहीं लेते हैं, और भी टीचर हैं जो बिना फीस के यहाँ पे 4 सालों से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आने से हमें हमारी परीक्षाओं में बहुत सरल काम होने को मिलता है, जो हमें हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत इजी होता है। वैसे भारतीय जन कल्याण में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे यहाँ पैसों की थोड़ी कमी थी तो मेरी पढ़ाई छूट गई, अब सर एडमिशन करवा रहे हैं तो मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, और ओपी दीक्षित सर हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सुविधा करवाई है।
हम यहाँ पे आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, सर भी हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं और हमारे सर हमको बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। कौन कौन से कहाँ कहाँ से आते हैं आपके साथ बच्चे? वो सारे बच्चे आते हैं सिंधिया नगर से आते हैं सब बच्चे। 65 वर्षीय रिटायर्ड ओपी दीक्षित की ये शिक्षा की मुहिम इतनी रंग लाई कि ग्वालियर चंबल अंचल में अब उनके साथ पढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पुरुष और महिला टीचर निशुल्क सेवा दे रहे हैं। इनमें सिर्फ रिटायर्ड लोग ही नहीं बल्कि युवक और युवतियां भी शिक्षा की मुहिम में शामिल हैं। वाकई दिल से सलाम है दीक्षित सर और उनकी सोच को। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर।